अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं नारियल के लड्डू, वो भी सबसे इजीएस्ट वे में हम बनाएंगे, 3 इंग्रेडिएंट्स में। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हम इसको अच्छे से घी में रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून घी, उसको अच्छे से हीट करके हम ये डेसिकेटेड कोकोनट को अच्छे से रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो जो नारियल होता है कच्चे नारियल को भी कद्दूकस कर लेके वो भी यूज़ कर सकते, बट ये बहुत इजी वे में हम बना रहे, तो हमने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने अपने डेसिकेटेड कोकोनट को पैन में ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए, और हमें इसे लो फ्लेम में रोस्ट करना है, फ्लेम हाई नहीं करना है एंड तक भी। इसको हम मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में अच्छे से रोस्ट करेंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो जो हमारा कोकोनट है वो जल जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से लो फ्लेम में स्लोली स्लोली कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए रोस्ट करना है। यहाँ पे हमारा कोकोनट अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे 250 ml ऑफ मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क को हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट को अपने मिल्क के इसमें ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना दूसरा पार्ट मिल्क का जो था उसको भी ऐड कर लिया था। आप चाहे तो स्लोली स्लोली मिक्स करते हुए भी ऐड कर सकते। अब हम इसे 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखिए हमारा मिल्क जो है कोकोनट ने अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे मैं फिर से अच्छी तरीके से कुछ देर के लिए भूनूंगी इसी तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम्स ऑफ शुगर और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। शुगर में इसलिए 200 ग्राम्स ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे बाद में मिल्क मेड भी ऐड करने वाले हैं। ये देखिए मैंने इसमें शुगर ऐड कर लिया है एंड 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर लिड लगाकर कुछ देर के लिए कुक करूँगी जिससे कि हमारी शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कुक किया था, हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको हम अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे। यहाँ पे अब मैं इसमें मिल्क मेड ऐड करूँगी। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क मेड ऐड किया है जिससे कि अच्छे से बाइंड भी होगा, इसका टेस्ट फ्लेवर भी अच्छे से आएगा और जो शुगर लेवल भी है वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे शुगर थोड़ी सी ही ऐड की थी क्योंकि हमें ज़्यादा मीठे लड्डू भी नहीं चाहिए क्योंकि मिल्क मेड भी मीठा होता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही शुगर ऐड की थी। ये देखिए मैंने इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको भी कुछ देर के लिए अच्छे से ऐसे ही मिक्स करती रहूँगी। ये देखिए जो कोकोनट है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है, अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम
हम बैटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसी के साथ यहाँ पे मैंने आलमंड्स को कट करके रख लिया था और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट को भी अलग से प्लेट में निकाल लिया था। अब मैं थोड़ा सा घी हाथ में लगाकर अच्छे से लड्डू बनाऊंगी। लड्डू को हम ऊपर से जो आलमंड है वो लगाकर गार्निश करेंगे और जो डेसिकेटेड कोकोनट है उसमें रोल ओवर करेंगे, जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम जो हमारा लड्डू बना था उसको हम डेसिकेटेड कोकोनट में रोल ओवर करेंगे और ये बहुत खूबसूरत दिखते, टेस्ट में भी बहुत अच्छे रहते, लुक में भी बहुत अच्छे रहते। सो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसी तरीके से मैंने अपने सारे लड्डुओं को अच्छी तरीके से बना लिया था। ये देखिए, यहाँ पे मैं और एक आपको बना के दिखा रही हूँ। अब हम इसको फिर से डेसिकेटेड कोकोनट में कोट करके देखिए हमारे कितने अच्छे लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हमारे नारियल के लड्डू रेडी है। इट्स लुक गुड एंड टेस्ट गुड। आपकी फैमिली को भी अच्छे से पसंद आएंगे। आप इसी तरीके से बनाइए, कमेंट करिए कैसे बने थे। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाया था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।